नमस्कार दोस्तों, एडवांस लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनोद कुमार भट्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मतलब सर, आप हमारी मशीन के अंदर जो कपड़ा जो उल्टा आता है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो रिवर्स आता है, वो क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन वो वीडियो थोड़ा मिक्स है। मतलब उसके अंदर पर्टिकुलर कई चीज़ उसमें बताई गई है कि आपके दांत नहीं हिल रहे, मतलब टीथ नहीं हिल रहे हैं मशीन के, और आगे नहीं बढ़ रहा कपड़ा, या पीछे ही नहीं जा रहा, या मतलब एक जगह स्थिर है, वो सब चीज़ें उसमें बताई गई। तो वर्बली एक एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में अभी बनाना शुरू कर रहा हूँ, जिसमें छोटी छोटी समस्याएं जो आ रही है लोगों को वो बताऊंगा। तो अब ये दोस्तों, इस मशीन में ये दिक्कत है कि ये कपड़ा उल्टा फेंक रही है। जैसे कि आपको मैं चेक करके बताता हूँ, ये देखिए, ये जो मशीन है, देखिए कपड़ा जो है उल्टा आ रहा है, मतलब हमारी तरफ आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों, ऐसे वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूरा एक एक चीज़ समझाऊंगा इसके अंदर। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो छोटा सा काम है, और एक एक वीडियो मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना चुका हूँ फुल फिटिंग का, सब बड़ी मशीन छोटी मशीन सबका बना चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एडवांस लर्निंग चैनल के लिख के आप आगे समस्या लिख दीजिए, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे सिलाई मशीन धागा क्यों छोड़ती है, एडवांस चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी ये इसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये है कि सबसे पहले इस मशीन को हम इस तरफ ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों आपको, ये देखिए, ये जो केम है, ये वाली, ये केम कहलाती है, ये कनेक्टिंग रॉड कहलाती है दोस्तों। इसको मैं हटा देता हूँ, इस ढक्कन को। तो दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या करा कि वो उसको हटा दिया है, ढक्कन को। अब आसानी से आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो केम, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारी इस तरफ है, और ये जो स्क्रू दिख रहा होगा दोस्तों इस केम के ऊपर, ये यहाँ पर, ये इसको हम ढीला करेंगे इस समय। इसको ढीला करने के बाद, इसको ढीला करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये स्क्रू को हम ढीला करेंगे, इसको यहीं पकड़ के रखेंगे, ठीक है दोस्तों, इसको हम यहीं पकड़ के रखेंगे, इसके यहीं पर पकड़ के, और ये जो केम है ये इसको हम उस साइड ले जाते हैं, बिल्कुल उस साइड, एकदम से ये उस साइड ले गए। देखिए, उस साइड ले गया हूँ मैं उसको, जो इधर थी ये केम, इस साइड थी, मैं उस तरफ ले गया हूँ इसको, और यहाँ से हम इसको कस देते हैं वापस। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए, ये जो है ना, इसके अंदर थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मशीन जो है वो टाइट हो सकती है। मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, ये देखिए पीछे ले लिया, इसके अंदर थोड़ी मूवमेंट है, मतलब इसके अंदर थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए, थोड़ा हिलना चाहिए, ताकि इसके अंदर मूवमेंट रहे और आपकी मशीन जो है बराबर से चलती रहे। अब मैंने क्या किया था, देखिए दोस्तों, ये पहले इधर था, इस साइड था, अब वो जो नोक थी, यहाँ स्क्रू ढीला था, स्क्रू तो हमने ढीला किया था, अब मैंने इसको उस साइड ले गया तो ये इस साइड आ गया। देखिए मैंने क्या करा था, दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये उस टाइम ये इसी को यहीं दबा के रखा, इसको ढीला किया और यहाँ पर ले लिया इसको, यहाँ इस साइड था तो कपड़ा उल्टा आएगा। अब मैं इसको उस साइड ले जाता हूँ, देखिएगा, मैं उस साइड ले गया, इसको पेचकस से पकड़ के रखा है, और मैं इसको यहाँ पर इसको कस देता हूँ, और वही ध्यान रखना है आपको कि चिमटे के साथ जो है थोड़ा गैप बना के रखना है इसका, यहाँ पर थोड़ा गैप होना चाहिए, देखिए देखिए गैप है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैंने कस दिया, बिल्कुल बराबर से उस साइड लेना चाहिए। जैसे मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये रोड आ रही है, ये पहले इस साइड में यूँ थी और यूँ जा रही थी, अब मैंने इस रोड को क्या करा, वहाँ से आई उस साइड ले लिया, यहाँ पर आके यहाँ केम को, इधर ये रोड चली गई और यहाँ पर जो केम थी उसको मैंने कस दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको चेक करते हैं, ये बराबर बिल्कुल उस साइड यूँ यू आकार में उस साइड चली जाएगी, और यहाँ पर स्क्रू हम कस देते हैं। अब देखिए, हम चला के देखते हैं, आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अब देखिए, अब जो कपड़ा है हमारा आगे, ये लाइन देखिए, ये लाइन से आपको समझ में आएगा, अब कपड़ा है हमारा जो आगे बढ़ना शुरू हो गया, ये लीवर ढीला था, ये देखिए जो कपड़ा है हमारा आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे आप एक चीज़ और बता दूँ, जो मैंने सिखाया है आपको ये सेट करना, इसमें ये चीज़ सिखाई है कि ये यू आकार बिल्कुल उस साइड ले लेना, और इसके लाइन के अंदर ये स्क्रू रहना चाहिए बिल्कुल यूँ, तो इससे क्या होगा, आपकी दांतें की इमेज जो सिलाई है वो इंक्रीज़ भी हो जाएगी, मतलब दांत लास्ट तक जो बड़े होंगे धागे वो यहीं से बड़े होंगे, उसके बाद अगर कुछ होगा तो ये चेंज होगी और ये चिमटा चेंज होगा, ये केम और ये दोनों चिमटा चेंज होगा, तभी आपके धागे बड़े हो सकते हैं दोस्तों। वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर फुली फिटिंग मशीन का, ऐसे एडवांस लर्निंग चैनल देखते ही है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।